अस्सलाम वालेकुम। ये देख रहे हैं आप इस साइड पर ग्लासेस की ये बार है और इस साइड पर नहीं है। ये उस हुसना जाने के कारण है, रात को उसने मेरे साइड पे पड़े हुए थे ग्लासेस, जोर का इसका पाँव लगा। मेरा नहीं ख्याल रात को टूटे हैं, मेरे सामने टूटे रात को नहीं सुबह के टाइम। रियल ऑप्टिक्स पीडब्ल्यूडी में शॉप है, अक्सर इनसे फ्रीक्वेंटली देते हैं हुसना। माशाल्लाह यू आर हैवी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? लुकिंग गुड। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ग्लासेस मैंने बनने दे दिए, सॉरी आपको पार्टी पे फंसा रखा। दिन चला जब वो फाइनली फ्रेम बनेगा फिर दिखाऊंगा। अभी हम दे रहे हैं हुसना के लिए 6 मंथ्स वाला सीरियल। उसका 3 फल हाँ करिए सही है ठीक करिए अभी दे दे मैंने हाँ जी 5 किलो आलू ये क्रेडिट कार्ड है। वो ना क्या हुआ है कि डिवॉटसन का पहले एक साइड पे थी ना पार्किंग के, कोट ऑलमोस्ट डबल एक्सपैंड कर दिया ना, तो शाम जी कहती है ये डबल एक्सपैंड हो गया यार। डिवॉटसन बड़ा कोई फिट बंदा है यार। रीना आ गया भाई, और जब से इमरान खान आया है तो पेट्रोल फिर सस्ता हो गया। और गाइस आपने अगर अभी तक इन्विक्टा एथलेटिक्स की राइस सीरीज नहीं बाय की सो क्या कर रहे हैं आप यार, स्टॉक इज रनिंग आउट। मर्चेंडाइज आपके अपने भाई की, जस्ट चेक इट आउट। कॉटन स्पेंडिक्स मटेरियल के अंदर 6% स्पेंडिक्स है। स्पेंडिक्स आपको स्ट्रेचिनेस देती है जो कि आपकी बॉडी की शेप ले लेता है। सो यू गाइस कैन गो टू इन्विक्टा एथलेटिक्स का इंस्टाग्राम पेज और वहाँ पे यू गाइस कैन प्लेस द ऑर्डर। जी भाई ये देखें जरा हुसना अपने दादा अबू के साथ शहर पे निकली। अस्सलाम वालेकुम। गंदा होता है ना, वो गंदा होता है उसको कौन खाता है? पांव कैसे पाले पाले शोनिए किए हुए। वी आर गोइंग फॉर अ नाइट वॉक, चिल वॉक। अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी हुसना बिनत हसन। वो घर में किसी घर में शादी हो रही है, चक्कर है वो आपको तो पता नहीं। ढोल सुन रहा है कि नहीं? स्टीम प्रेस होती है वहाँ पे। मेरी इतना मैं भागा था, आपने मुझे कहा ये स्त्री नहीं है। मैं वो 5 मिनट में तेज गाड़ी चला के घर पहुँचा हूँ, वहाँ से मैंने कराया। ये वलीमे वाले दिन की बात है ना? वलीमे वाले दिन मेरे कपड़े ही नहीं, कपड़े इस दिन थे। किस तरह मैं भगा, वो भी स्टोरी किसी दिन आपको मैं सुनाऊंगा किस तरह मैं उड़ता हुआ गया हूँ। टॉयलेट नहीं है, शादी में जाना जी। मामा भी आ गई अंदर से, हम वापस आ रहे थे। मामा का देखा, मामा ऑपोजिट आ रही थी, पहले नमाज पढ़ी थी मामा। मामा की टांगों में थोड़ा सा दर्द था, मामा कहती मैं नहीं जा रही, आप लोग चले। अब मामा भी पीछे से चलती जल्दी आ गई। हील्स में हाँ, आपको भी हम वो शादी वाला घर दिखाते हैं। इधम मार के हाईवे मेरा लॉन्ग वाचा क्या हाँ फेस मैं क्या ठीक हो तुसी? खैर खैरियत सब ठीक ठाक। गाड़ी की थोड़ी सी सर्विस करनी है। बारिश तो काफ़ी साफ है, अंदर से जो है ना इसको आउट ऑफ कंट्रोल हो रही, काफ़ी गंदी हो जाती है। ये अपनी सफाई का ख्याल नहीं करते, तो आज मुझे इसकी सफाई का ख्याल करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं गेट क्यों खोल रहा हूँ। ओ यार समझा करें यार, गेट इसलिए खोल रहा हूँ ताकि गाड़ी को स्कॉर्पियो के सेंटर में कर सकूँ। अल्लाह ये कल मैं अब यहाँ से निकला हूँ ना गाड़ी से, जब हम डॉक्टर के पास से आए हैं तो ये पैसे मेरी पॉकेट से यहाँ गिर गए थे। ये कितनी दफ़ा आप लोगों के साथ होता है, अक्सर कभी पॉकेट से पैसे गिर जाते हैं। ये जो सीट्स हैं ना इसकी, इसके ऊपर से मैंने ये कवर उतार दिए, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए सीट्स। आप देख रहे हैं अच्छी खासी, आपको ना साइडों से थोड़ी सी डार्क फील होंगी, मैल बहुत जमा हो गई है अभी इनके ऊपर। थोड़ा सर्फ वाला कपड़ा मारना था कि सर्फ मैंने यहाँ पे ले आया हूँ कपड़े के अंदर, तो ज़रा सही से साफ कर दे। गाड़ी को अपनी साफ रखने का ना एक अपना मजा है कि भाई आपकी जिस गाड़ी में आप बैठे हो साफ साफ रहे। काफी दिन हो गए थे मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, जब से हम लोग नारायण और वो नथिया गली से आए हैं तो उसके बाद से गाड़ी इवन सर्विस भी नहीं हुई। अब मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा टाइम दूं, उसको साफ किया फुल, अब इंशाल्लाह इसको नीचे से भी फुल सर्विस करानी है। जब अपने हाथ से काम करते हो ना तो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार ठीक है ये मेरी अपनी चीज़ है, आपको उसकी केयर फील होती है।
चलें जी, शुक्र है फाइनली हो गई है। सीट से मैंने प्राइमरीली भी फोकस किया, सीट साफ की है। चले हम बाएं चलते हैं, गाड़ी का दोबारा गंदा करना है क्योंकि मामा ने कहा है नर्सरी जाना है और जाके वहाँ से गमले लेके आए, और गमले गाड़ी में आए, गाड़ी की डिग्गी में आएंगे। अल्लाह करे ये मामा ये ना कहेंगे गाड़ी के अंदर कोई गमले रखने वाला, मेरी सारी मेहनत है पानी फिर जाएगा। मैंने तो लेट्स गो। Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the